साथ में बहू भी थी, तो बहू होशियार थी, बहू परिचय दे रही थी, ये मेरी माँ है। मैंने कहा ठीक। फिर दूसरी औरत आई, बोली ये भी मेरी माँ है। तो हमने कहा एक से जन्म हुआ कि दो से? बोले ये जन्म देने वाली माँ है और ये सासू माँ है, लेकिन जन्म देने वाली माँ के पास में 20 साल रही हूँ और सासू माँ के पास में जिंदगी भर रहूंगी, तो ये उससे बड़ी माँ है। ये भाव, और भाव की भक्ति है, भाव का संसार है, भाव के रिश्ते हैं, भाव की दुनिया है, और भाव मिट गया तो याद रखना कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने मन में भाव पैदा कर लिया कि सासू भी मेरी माँ है। और कितनी सासू बहुएं तो ऐसे रहती हैं जैसे सहेली रहती है, कितने पिता पुत्र ऐसे रहते हैं जैसे दो दोस्त रहते हैं, और कितने लोग भाई भाई ऐसे रहते हैं जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहते हैं। एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग करने को तैयार, और कितने भाई ऐसे रहते हैं जैसे रावण और विभीषण, जैसे रावण ने विभीषण को लात मार कर लुढ़का दिया, ऐसे भाई रावण मिला लात मारता है, कोई सुख नहीं कोई शांति। इसलिए याद रखना अपनी सगी जननी माँ का भी ख्याल है, वृद्धाश्रम में उनको जाना ना पड़े। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम गुजरात में, फिर नंबर दो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत कम है वृद्धाश्रम, क्योंकि अपने अपने वृद्ध को अपने अपने घर में ही सेवा मिल जाती है तो वृद्धाश्रम जाने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल जीरो है, बिहार वहां तो वृद्धाश्रम है ही नहीं। बस वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों और बहनों, अपने अपने वृद्ध को अपने अपने घर में रखो और उनकी सेवा करो, क्योंकि वृद्ध की सेवा करने से चार चीजें बढ़ती हैं, आपकी आयु, यश, विद्या और धन, ये चारों चीजें बढ़ती हैं। इसलिए वृद्ध की सेवा करो। जब बंटवारा होने लग जाए, धन बांट लो, जमीन बांट लो, घर बांट लो, सामान बांट लो, और फिर भाइयों के बीच में कह दो मेरे माता पिता को मुझे दे दो, इनकी सेवा मैं करूंगा, और सब भाई उनको मांगो कि हम लेंगे इनको। अगर चार भाई हो तो एक एक महीने उनकी सेवा करो। जनवरी में तुम्हारा नंबर, फरवरी में उनका, मार्च में उनका, ऐसे हर चार महीने बाद नंबर आएगा, एक एक महीना ले लो सेवा। और वृद्ध माता पिता से भी कहूंगा बोलना कम, ज्यादा प्रवचन मत सुना, अब बिगड़े या बने जो कुछ हो, लेकिन बस ऐसा चश्मा लगाओ काले रंग का, कुछ दिखना नहीं चाहिए। कान में रुई ठोंस दो, ज्यादा सुनो भी मत। अब बहुत घर बार संभाल लिया, अब खुद को संभालो, ज्यादा बोलोगे तो कोई चाय भी नहीं देगा। बस बोलना है तो इतने बोलो, मेरी बहू टॉप की, मेरा बेटा टॉप का, और आज के युग को देखते हुए हमारे बेटे बहू अच्छे हैं, बड़े बेस्ट हैं, मतलब है नालायक लेकिन युग के अनुसार अच्छे। बस यही बोलो, ज्यादा उनके चिल्ला चोट में मत फंसो, क्योंकि कमजोर अवस्था है, वृद्धावस्था है, शरीर में शक्ति नहीं है, अब झंझट करना ठीक नहीं। बस गम खा लो, जो गम खा लेता है उसकी गम मिट जाती है, चिंता नहीं रहती फिर उसे, और जो गम नहीं खा पाता है वो चिंता रूपी गम में डूबा रहता है। इसलिए गम खाना भी सीख। जय जय। रिश्तों में सासू बड़ी है, बहू छोटी है, पति बड़ा है, पत्नी छोटी है, गुरु बड़ा है, शिष्य छोटा है, बड़ा भाई बड़ा है, छोटा भाई छोटा है,
रिश्तों को भी समझो, वहां भिड़ने की जरूरत नहीं। क्यों भिड़ रहे हो फालतू? गम खा लो। गम समान भोजन नहीं। क्यों? अरे दाल चावल खाना है कि गम खाना है? लेकिन ज्ञानी कहते हैं गम समान भोजन नहीं। जो कोई गम को खाए, जो व्यक्ति गम को खा लेता है सदैव के लिए तृप्त हो जाता है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाया दुर्वासा बिललाए। अम्बरीश राजा ने गम खा लिया था और दुर्वासा ने क्रोध किया था। बड़ी छोटी सी कथा है, प्यारी कथा है। अम्बरीश ने यज्ञ किया, सब ऋषि मुनि साधु संत आए, उनका भंडारा हुआ। अम्बरीश गृहस्थ थे, उन्होंने व्रत साध लिया कि दिन भर कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। तो जब शाम होने लगी तो ब्राह्मणों ने कहा अब कुछ खा लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लिया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए थे कि मैं आता हूं अभी खाऊंगा, स्नान करने में देर लगा दिया, इधर पानी पी लिया। अम्बरीश ने जब आए तो पता लगा उनको कि इसने पानी पी लिया, बिना मुझको भंडारा खिलाए पानी पी लिया। अम्बरीश क्रोधित हो गए, अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा। अम्बरीश के मन में भी थोड़ा क्रोध आया लेकिन फिर गम खा लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में अपने जटा का एक बाल तोड़ा और उसको अम्बरीश के ऊपर फेंक दिया। तो जटा का बाल में आग पैदा हो गई, अम्बरीश को जलाने के लिए वो दौड़ा। तो अम्बरीश से सबने कहा भागो बचो, नहीं तो जल जाओगे, क्योंकि दुर्वासा का क्रोध है, जला देगा। तो अम्बरीश आंख मूंद कर ऐसे बैठा, भले जल जाऊं मर जाऊं नहीं भागूंगा, अब जो कुछ देखेगा भगवान देखेगा, अब मैं नहीं कुछ करूंगा। मैंने इतना बड़ा भंडारा किया, हजारों साधुओं ने भोजन लिया, अब एक ही साधु लेट आया तो मैं क्या करूं? मैं पानी पी लिया शाम को, उसमें नाराज हो गया। देखिए साधु को थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, अरे उसने पानी पी लिया तो तुमको क्या भोजन नहीं मिलेगा, आप ले लो, नाराज हो गया। जब आंख मूंद कर बैठा अम्बरीश, विष्णु भगवान को खबर मिल गई कि मेरे भक्त को दुर्वासा ऋषि जटा तोड़कर फेंक कर जलाने जा रहे। वहां से उन्होंने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। वो चक्र सुदर्शन एक सेकंड में आ गया और अम्बरीश की गर्दन काटने के लिए दौड़ा, वो दुर्वासा की गर्दन काटने के लिए दौड़ा। दुर्वासा भागे, भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बचा लो। तो ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि विष्णु भगवान का ये चक्र सुदर्शन है। तो शंकर के पास गए, शंकर जी बोले मेरे बस का नहीं, क्योंकि मेरे पीछे भी एक बार चक्र सुदर्शन पड़ चुका है, तो मेरा तो लिंग उंग काट के फेंक दिया था, तो मेरे बस का नहीं, मेरे लिंग के कई टुकड़े हो गए यार, क्या लफड़ा बता रहे, फिर मैं बीच में आ जाऊं मेरा मूड कट जाए, ये चक्र सुदर्शन का मामला मेरे बस का नहीं। अरे जाओ ना विष्णु भगवान के पास, जिन्होंने चक्र सुदर्शन छोड़ा वही कंट्रोल करेंगे। वहां गया दुर्वासा क्रोधी, विष्णु भगवान ने कहा मेरे बस का भी नहीं, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। बोले क्या करूं? बोले अम्बरीश के पास जाओ, क्षमा मांगो, माफी मांगो, अब अम्बरीश ही माफ करेगा तब ये रुक सकता। तो दुर्वासा भाग करके अम्बरीश के पास गए, हाथ जोड़कर खड़े, बोले माफ कर दो। तो अम्बरीश हंस रहा था, बोल रहा था आप सोचो मेरी भक्ति बड़ी है कि तुम्हारी तपस्या बड़ी है, ये क्रोध करते हो, क्रोध में तुम्हारी तपस्या भी राख हो गई और गम खाने से मेरी भक्ति इतना प्रखर हो गई कि आपके पीछे चक्र सुदर्शन पड़ा हुआ है। तो अम्बरीश ने उनको जब माफ किया तब चक्र सुदर्शन विष्णु भगवान के पास वापस चला गया। ये होती है भक्ति में ताकत, गम खाने में ताकत, इसलिए गम खा लिया। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए।
मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में सत्संग था एक गांव में, तो जिनके मकान में मैं ठहरा था वो तीन भाई थे। तीनों भाई के मकान तीन तीन मंजिल के ऊंचे और बहुत सुंदर बने थे। वो जाट परिवार के थे, गांव का नाम नहीं लूं। तो उनके घर की महिलाएं दर्शन करना चाहती थी। तीसरे दिन मिल पाई, मैं रहा वहीं लेकिन मिलन नहीं हुआ। तीसरे दिन मिली तो बोली, हमारे घर के पुरुषों को थोड़ा ज्ञान दे दो, क्योंकि ये लोग जब भोजन खाने आते हैं पूरा भूकंप लेकर आते हैं। हम लोग इतना अच्छा भोजन बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, अगर ये कहते हैं सुबह 6 बजे चाहिए तो हम 5:30 बजे रेडी कर देते हैं, फिर भी इनको पसंद आता नहीं है। टिन 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 करते हैं, थाली फेंक देते हैं, कहीं दाल फेंक देते हैं और कहीं हमारे भी मारपीट कर देते हैं। तो हम तो पूरा गम खा लेते हैं, नहीं तो इनका क्रोध इतना है दुर्वासा ऋषि जैसा कि गुरुदेव अगर मैं जवाब दे दूं तो उसी दिन मेरी छुट्टी हो जाएगी इस घर से। बोले, इतना सहते सहते गम खाते खाते मेरी जिंदगी गुजर गई। हम 50 साल की हो गई, बेटा बहू आ गए, पोते हो गए, लेकिन अभी इनमें बदलाव कोई नहीं हुआ है। ये जाट है, जाति का जाट, मैं जाटिन हूं। पर ये ठंडा कब होगा? तो मैंने कहा, अब 3 दिन सत्संग सुना है, अब तो कुछ तो ठंडा होगा। बोले, 3 दिन तो ठंडा है, पर डर इस बात का है तुम विदा हो जाओगे उसके बाद फिर न गर्म हो जाए। ए, पतियों को भी बहुत ठंडा रहने की जरूरत है। कभी डांटना पड़े थोड़ा डांट दो, लेकिन फिर ठंडे हो जाओ। कभी कभी डांटना पड़ जाता है, जैसे राम भगवान ने भी समुद्र देवता को डांटा था। बिनय न मानत जलधि जड़े गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिनु होइ न प्रीत। लेकिन कनक थारी भरि तज गन नाना, विप्र रूप आयो तज माना, लक्ष्मण बाण शरासन आनु, सोखौ वारिधि बिसिख कृषानु। जब ही राम ने कहा कि लक्ष्मण 3 दिन बीत गए, हाथ जोड़कर हम खड़े हैं, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, ये सट है, दुष्ट है, ऐसे नहीं मानेगा, अब जो है स्टार्ट करो। लक्ष्मण ने अग्नि बाण मार दिया, समुद्र में आग लग गई, समुद्र जलने लगा। तो समुद्र देवता सोने की थाल में आरती सजाकर मान अभिमान छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु माफ करो। तो राम ने माफ भी कर दिया, क्षमा कर दिया। कनक थारी भरि तज गन नाना, विप्र रूप आयो तज माना, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। बहुत लोभी आदमी हो उससे तुम बैराग का वर्णन करो, उसके समझ में नहीं आएगा। बहुत मोही आदमी हो और उससे तुम ज्ञान कथा सुनाओ, उसकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ममता से भरा हुआ है। और बहुत दुष्ट हो, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो, हाथ पर ही लाठी मार देगा। ज्यादा दुष्ट हो, हाथ जोड़ने की समझता का। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, और बहुत कपटी है, छली है, उसके साथ प्रीति करोगे निभेगी नहीं, क्योंकि तुम तो प्रेम करोगे वो तुम्हारी जेब काट देगा, तुम्हारी गाड़ी चोरी कर लेगा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, और कंजूस आदमी के साथ में तुम समझ लो कि प्रीति निभ जाए, कभी नहीं निभेगी, वो कंजूस है, वो तो कुछ खिलाएगा नहीं तुमको, देगा नहीं। आप थांदला से बैठ करके बस में झाबुआ जा रहे हैं और आपका मित्र साथ में बैठा, तो थांदला में आपने 100 ग्राम मूंगफली खरीदा, मित्र को चबवाया, खुद चबाया,
और एक चाय लिया, उसको पिलाए, खुद पिया। बस वहां से चली और बस 20 किलोमीटर फिर आगे एक कस्बा आया, वहां रुकी। तो फिर तुमने वहां देखा कि केला बिक रहे हैं, तो केला खरीद लिया, 6 केला, 3 केला मित्र को खिलाया, 3 आपने खाए। फिर जब वहां से झाबुआ पहुंचे तो आपने उसको होटल ले जाकर के भोजन खिलाया, खुद खाया। फिर वहां से जब लौटे आप, तो आपने मन में सोचा, अरे थांदला में इसको मूंगफली चबवाया, चाय पिलाया, फिर बीच कस्बे में केला खिलाया, और फिर झाबुआ में आकर इसको भोजन खिलाया। कम से कम इसका भी तो फर्ज बनता है, कुछ ये भी तो खिलाए। वो कंजूस है, वो कुछ खिलाना नहीं चाहता, चुप्पे बैठा है, मुस्कराता है और तुमसे कहता है, वाह अरे बहुत अच्छे मित्र मिले आप, देखो कितना बढ़िया खिलाए। ऐसे करता, वाह वाह। तो तुम्हारा मन भी वहां बदल गया। उधर से बोले, अब इधर से लौटते समय मैं 1 रुपया मैं भी नहीं खर्च करूंगा। कंजूस के संग में कंजूसी जग जाती है, लोभी के संग में अच्छे अच्छों को लोभ भी आ जाता है, और दानी के संग में दान करने का भाव आता है। इसलिए याद रखना, गलत लोगों की संगत मत करना, अन्यथा तुम्हारे मन में भी गलतियां करने की हिम्मत पड़ जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। झाबुआ से लौटते समय दोनों भूखे प्यासे लौट कर आ जाते हैं, थांदला उतर लेते हैं, लेकिन अब न ये मित्र कुछ खिला रहा, न वो कुछ पिला रहा है, उस कंजूस का प्रभाव पड़ गया है। इसलिए याद रखना, लेन देन का संसार है, खाने पीने की दोस्ती है। अगर तुम्हारा मित्र 1 चाय पिलाए तो अब हक तुम्हारा बनता है, 4 केला उसको आगे चलकर खिलाइए। केवल उसी की जेब से खर्च मत कराइए, अपनी जेब भी थोड़ा खाली करिए। हमारे आश्रम पर भक्त लोग आते हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर 10 लोग गाड़ी में बैठ कर आए हो तो जिसकी गाड़ी है उसको छोड़ दो, बाकी 9 लोग यदि 9000 का डीजल पड़ा है तो 1-1000 रुपये डाल दो, तो गाड़ी वाला भी खुश कि चलो हमारी गाड़ी लग गई, इनका सबका डीजल लग गया। और 9 लोग गए वो 9 खुश, अगर 1 आदमी ने डीजल डाला और 9 आदमी फोकट में बैठे तो उसके मन में होगा, अब की फंस गए, अब दोबारा कभी आएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। ऐसा काम मत करो, दे देना चाहिए पैसा, बंटवारा कर लेना चाहिए, डिवाइडेशन कर लेना चाहिए। हाँ, सही ढंग से सेटिंग कर लो। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के सेवा न की है, अभी हमने जी भर के सेवा न की है। अभिवादन शीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। वृद्धों की सेवा करने से आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बुद्धि बढ़ती है और बल बढ़ता है, धन भी बढ़ता है। मैंने सुना है एक नई नई बहू ससुराल आई नेपाल की कहानी है, हिंदुस्तान की नहीं। नेपाली बहू, फक्कड़ बहू, बिना घूंघट की बहू, जटाधारी बहू ससुराल आई तो उसका रूप रंग देखकर, उसके बाल गाल देखकर सासू बेहोश हो गई। उसको लगा ये बहू आई है
कि सुपरणखा आई है कि चुड़ैल आई है। सासू बेहोश, बहुत घबरा गई। तो बहू क्या बोलती है, थोड़ा तसल्ली रखो, कुछ दिन के बाद पूरा रिजल्ट दूंगी 100%। सासू को और डर लगा कि होने वाला क्या है। एक साल में उसने अपने पति को मोटिवेट किया, कंट्रोल किया, रिमोट सिस्टम बना दिया और रोबोट हो गया उसका पति, रोबोट। अब जैसा दबाए रिमोट वैसा करे रोबोट। ऐसा पति बन गया, आज्ञाकारी पति हो गया। अगर वो कहे यहां बैठो तो वहीं बैठा रहता, बोले उधर जाओ तो उधर जाए, बोले माँ को गाली दो तो गाली दे दे, बिल्कुल रोबोट का काम करे पति। और रिमोट पत्नी के हाथ में, अब पति रोबोट बना। तो माँ बाप तंग हो गए, क्योंकि माँ बाप को गाली देने लगा। तो माँ बाप बहुत दुखी हो, माँ बाप ने कहा कि एक काम करो, आप घर में नहीं रहना देना चाहती हो तो हमको कोई वृद्धाश्रम में छोड़वा दो। फिर तो उस बहू ने अपने पति से कहा जाओ इनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ, छुट्टी करो। पति आज्ञाकारी था, वो छोड़ने चला गया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। छोड़ के लौटा, रास्ते में बहू का फोन आ गया पत्नी का कि छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, बोले छोड़ दिया, बोले ये बता दिया कभी मत आना, बोले ये नहीं बताया। मैंने कहा होली दिवाली में आ सकते हैं, अरे बोले मूर्ख जा बता के आ जा, कभी नहीं आना। तो फिर वो बताने गया। अब जब वृद्धाश्रम में छोड़ करके वो बेटा लौटा तो मां बाप रो रहे थे बेटे को देख करके। और जब फिर से रास्ते से लौट कर बताने के लिए गया कि कभी मत आना घर पर, तो वहां देखा वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ में बैठे हुए मां बाप बूढ़े बुढ़िया डोकरा डोकरी दोनों हंस रहे और ताली बजा रहे। केवल आधा घंटे में खेल हो गया। रो रहे थे आधा घंटे पहले जब छोड़ के जा रहा था बेटा, और बेटा आधा घंटे बाद लौट कर आया। पत्नी ने कहा जाओ मना कर देना कभी आएंगे नहीं, तो आए और देखा वो हंस रहे दोनों, बुढ़िया और बूढ़ा डोकरा डोकरी माता पिता हंस रहे मैनेजर के साथ। तो बेटे ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि अब दोबारा लौट कर घर ना आना, मेरी वाइफ ने कहा। बोले अच्छा ठीक है जाओ, हंसते हंसते कहा जाओ कोई बात नहीं। तो बेटे को संदेह लगा आखिर ये इतना खुश क्यों है, आधा घंटे पहले रो रहे थे मेरे वियोग में, अब ये हंस रहे हैं, बात क्या। तो उन बूढ़े माँ बाप ने कहा कि मैं भी घर कभी नहीं आऊंगा और तुम भी अब मुझे मिलने के लिए यहां भी कभी मत आना। जब तुम घर के लिए मना कर सकते हो तो मैं तुमको मिलना नहीं चाहता, तुम भी मिलने कभी मत आना। तो उस लड़के ने पूछा आप हंस क्यों रहे थे, खुश क्यों थे। तो कहा मैं इसलिए खुश था कि मैं एक बार अनाथ आश्रम गया था, ये अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम है, मैं यही आया था। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कहीं फेंक दिया था, तो अनाथ आश्रम में तुम रह रहे थे, पालन पोषण होता था। तो मैंने तुमको देखा तो मैंने तुमको अपना बेटा मान लिया और तुमको लेकर मैं घर गया, पाला पोसा, तुम बड़े हो गए, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, बहू आ गई, तो तुम तो अनाथ से सनाथ हो गए, तुमको मैंने अनाथ से सनाथ बना दिया। और मैं सनाथ था तो मुझको तुमने उसी वृद्धाश्रम में लाकर डालकर अनाथ बना दिया। हंसी इसलिए आ रही थी कि संसार इसी का नाम है, जिसको सहारा दिया
वही धक्का मारकर हमको बाहर कर दिया। मैं इसी अनाथ वृद्धाश्रम से तुझे लेकर गया था पाला पोसा, और तूने मुझको ही घर से निकाल कर इसी अनाथ वृद्धाश्रम में डाल दिया। तो हंसी आ रही थी, ये कितना स्वार्थी संसार है, इन मूर्खों चक्रम पड़ना नहीं, इसलिए हंस रहा था। अब ये बात उस बेटे को चोट कर गई। उसने कहा, पिताजी अगर ऐसी बात है तो आप चलो मेरे साथ घर ही पर रहो। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम तो बदल गए और तुम्हारी वाइफ फिर परेशान करेगी, बहुत गाली देती है। तो घर गया और अपनी पत्नी से कहा, यदि मेरे माता पिता को घर में रखना है तो तुम रहोगी, नहीं तो तुम भी निकलो। तो दोनों बेटा बहू आए बुलाने के लिए वृद्धाश्रम। बोले, निवेदन है, आप चलो जरूर, घर ही में रहो, यहाँ नहीं, दुख लगता है। तो डोकरा डोकरी ने जवाब बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा, हाथी के निकले हुए दांत वापस अंदर नहीं आते हैं, अब बुढ़ापे में निकले हुए डोकरा डोकरी अब वापस घर नहीं जाते हैं, यही रहेंगे। बस हो गया, सब समझ गए खेल। रोते हुए बेटे बहू घर को वापस आते हैं, और जब उनके बेटे तैयार होते हैं, वो भी लड़ झगड़ करके अपने माँ बाप को वहीं छोड़ जाते हैं। तो ये डोकरा डोकरी जब उनसे मिलते, कहते, क्या हाल हुआ? बोले, जो आपका हाल वही मेरा हाल, साथ में रहो। घर में साथ नहीं रह सके, अब वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में चारों साथ हम रहे। ऐसे मूर्ख लोग, अरे आपका घर मंदिर है, आपका घर आश्रम है, आपका घर शिवालय है, देवालय है, आपका घर तीर्थ है, ये साधारण नहीं है। चार बातों की गम खा लेना, मन में विचार कर लेना, और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लेना, अपने गुरु की शरण में रह लेना, और सब व्यवस्था को संभाल लेना, हंसते हुए जिंदगी गुजार देना, थोड़ा सहना भी।